नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार बढ़ रही उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर आज शाहजहांपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले हजारों पत्रकारों ने मिलकर पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश के बलिया जनपद एवं उसके आसपास जिलों में सुनियोजित एवं बड़े पैमाने पर परीक्षा में नकल कराई जाती है, जिसे स्थानीय पत्रकारों ने प्रशासन से सवाल किया। नकल के मामले में पत्रकारों द्वारा जिला प्रशासन से सवाल करना भारी पड़ गया। बलिया प्रशासन ने नकल माफियाओं के इशारे पर पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पत्रकारों को जेल भेजने से पूर्व पुलिस ने जमकर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न भी किया। एक तरफ वर्तमान परिवेश सरकार भले ही पत्रकारों की हित की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है, क्योंकि जहां सच दिखाने और बताने पर प्रशासन को आपराधिक प्रवृत्ति पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, तो वहीं माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के दबाव में प्रशासन पत्रकारों के साथ लगातार उत्पीड़न कर रहा है। यहां तक कि पत्रकारों की कोई सुनने को तैयार नहीं होता और किसी भी कार्यवाही के तहत पत्रकारों का मुंह दबाकर पत्रकारिता को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद शाहजहांपुर के गांधी प्रेक्षागृह प्रांगण में हजारों पत्रकार एकत्र हुए और वहां से सभी पत्रकारों ने मिलकर कलेक्ट्रेट के लिए पैदल चलकर हुंकार भरी और सभी पत्रकारों ने बलिया प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी और जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस मौके पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा, पुलिस अधीक्षक से अपनी मांग रखी, पत्रकारों के खिलाफ आने वाले मामलों में राजपत्रित अधिकारी की संतुति के बिना मुकदमा ना लिखा जाए, ऐसी शासन की मंशा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। कहा कि पत्रकारों के मामलों की जांच के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का एक दल बनाया जाए और पत्रकार प्रकरण की जांच उनके द्वारा करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए। पत्रकारों पर चल रहे कई मामलों से अवगत कराते हुए शिव कुमार, सरदार शर्मा, जरीफ मलिक आनंद आदि वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना विचार पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। R9 भारत के लिए शाहजहांपुर से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।